नमस्ते फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज क्या हो रहा है यहाँ पे। और आज देखिए, किचन में आया एक नया मेंबर जो कि किचन का मेन मेंबर है। इसके बिना कौन सा किचन होता है? तो देखिए, आज आ गया है मेरे घर में एक नया गैस स्टोव जो कि मुझे बहुत दिनों से चेंज करना था। फाइनली आज वो चेंज हो गया है। तो इसके रिव्यूज़, ये कौन सी कंपनी का है वो मैं आगे बताऊँगी, बट फिलहाल के लिए आप देखिए कि नया चूल्हा लग चुका है और मेरी बेटी है बस इस चूल्हे का मुहूर्त कर रही है, तिलक कर रही है, सतिया बना रही है इस पर, क्योंकि एज़ पर आवर रिचुअल्स ये सब तो ज़रूरी है। तो बस अब सबसे पहले यही करेंगे ताकि हम इस पर आगे खाना बनाने की तैयारी कर पाएँ। तो बस इसने सतिया बना दिया है, सुंदर सा तो लगनी चाहिए, घर में नई चीज़ आई है। इसके और ये लो भाई, इतनी पूजा का पेमेंट तो मिलना ही चाहिए। तो अभी पेमेंट करने के बाद में देखिए, अब मैं करूँगी अपनी पूजा और करती हूँ अपने नए गैस स्टोव का श्री गणेश। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब नया चूल्हा लगाए तो हम इस पर दूध गर्म करेंगे, तो दूध थोड़ा सा छलक जाएगा, तब इसमें आगे का खाना बनाएंगे जो भी हमें बनाना है। तब इसमें मैं दूध गर्म करूँगी और दूध को थोड़ा सा जब उफान आ जाएगा, दूध थोड़ा नीचे गिर जाएगा, तब उसके बाद में इसी दूध से मैं बना लूँगी खीर भगवान जी के भोग के लिए, क्योंकि नया चूल्हा है तो सबसे पहले हम भगवान का भोग लगाएंगे। चूल्हे के रिव्यूज़ मैं आगे आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी, जब थोड़े दिन यूज़ कर लूँगी उसके बाद ही रिव्यूज़ दूंगी। तब मैं फूल चढ़ाना भूल गई थी, तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिए फूल। और अब चूल्हे का श्री गणेश होने के बाद, खीर वगैरह सब बनने के बाद में मैं आज बनाने वाली हूँ कुछ अच्छी सी रेसिपीज। तो देखिए, मैं बनाऊंगी उपवास वाली इडली, जो कि मैंने देखिए साबूदाना और सामक के जो चावल आते हैं वो भिगो के रखे थे उनकी। और एक मैं बनाऊंगी रेगुलर इडली, उसका भी खीरू एकदम रेडी है। तो चलिए फटाफट से आज रेसिपी देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से सांभर इडली और चटनी बनाती हूँ अपने स्टाइल में। ये तुअर दाल है मेरी, पहले से भिगोई हुई है, इसे मैंने 2-3 घंटे भिगो दिया था तो अच्छे से बॉईल हो जाए। इसे अब चाहे तो खुले में भी पका सकते हैं और कुकर में भी, बट मैं आज कुकर में पका रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फटाफट जल्दी से काम करना है, वरना मैं इन जनरल खुले में ही पका लेती हूँ, क्योंकि भिगोई हुई दाल खुले में बहुत अच्छे से उबल जाती है। और सांभर उबालने से पहले मैं इसमें डालूँगी और मैं डाल दूँगी नमक, तीन विसल आने तक पका लो। और ये मैंने आपको बता देती हूँ, पहले चटनी के इंग्रेडिएंट्स ये मैंने इसमें लिए हैं, कुछ कटे हुए नारियल के पीसेस, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये डालिए जो आपको पता है सीकी हुई चना दाल या चने जो भी साबुत आप ले सकते हैं और भुने हुए। और ये मैंने ले लिया है हरा धनिया इसके अंदर और अदरक के कुछ टुकड़े। और इसमें मैं अब डाल लूंगी नमक डाल लूंगी और इसमें हम डाल देंगे आप देखिए लगभग 2 बड़े चम्मच दही के। और इसे अब मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये है व्रत वाली चटनी, व्रत वाली भी चटनी सेम है, बस इसमें हम भुने हुए चना दाल की जगह पे हम डालेंगे पीनट्स, मतलब सिंगदाना डालेंगे, बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम है सारे इंग्रेडिएंट्स। और उड़ीपी सांभर मैं बनाऊंगी, मैं जो सांभर बनाऊंगी वो है एकदम बेसिक उड़ीपी सांभर। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें करी लीव्स और 1 टीस्पून मेथी दाना, और ये देखिए ग्रेटेड कोकोनट ले लीजिए या पीस करके ले लीजिए एज यू विश। और ये है हींग, ये 1 टीस्पून ली है हमने उड़द दाल, 1 टीस्पून हमने लिए चना दाल, 3 टीस्पून हमने लिया है साबुत धनिया और ये 1 टीस्पून लिया है जीरा। और ये है 4-5 कुछ लाल मिर्च, आप मैंने आज कम डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इन्हें बढ़ा भी सकते हैं जैसा स्पाइसी आपको पसंद है। और इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को मैं इसमें डालूंगी, 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून को थोड़ा सा हीट होने के बाद में हम इसमें डाल देंगे ये साबुत धनिया। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स सब साथ में जब जाएं तो जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। और ये हींग, जीरा, बाकी के ये बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में हम इसे अच्छे से भून लेंगे
और ये मसाला बनाने के बाद में आपको कोई भी रेडी मसाले की ज़रूरत नहीं है। इस मसाले की खुद की इतनी ज़्यादा खुशबू है, बहुत ही अच्छी सी सांभर बन के आएगी। और यहाँ पे हम लगाते हैं नारियल की चटनी में तड़का। और तड़के के लिए हम देखिए ले लेंगे लगभग 1 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। और तेल में हम डाल देंगे राई, राई खूब सारी डालिएगा, और बहुत सारे कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च, बस इतना ही चाहिए हमें तड़के के लिए। अगर आप चाहें तो साबुत उड़द दाल डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने वो सब नहीं डाला है। और अब देखिए तड़का मैंने चटनी में लगा दिया है। रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं इमली को पहले भिगोना भूल गई थी, तो मैं इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ ताकि पल्प रेडी हो जाए। और यहाँ पे मैं जो वेजीज इसमें डालूंगी, वेजिटेबल्स, वो बॉईल करूंगी। तो पहले हम इसमें, तब इस पानी में हम ये जो भी वेजिटेबल्स हैं, देखिए मैंने क्या लिया है, पम्पकिन लिया है और लिया है मैंने बॉटल गार्ड मतलब लौकी यहाँ पे, बस ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से पानी में बॉईल कर लूंगी। और मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे। और अब देखिए इसका मैंने पानी पूरा स्ट्रेन कर लिया है, इसे हम लगभग 1/2 बाउल दही लेके, दही, नमक, हरी मिर्च डालेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे इनो 1/2 चम्मच जो कि फ्रूट सॉल्ट होता है, तो आप व्रत में इसमें आराम से खा सकते हैं। तो इसमें हम वो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इडली को स्टीम होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद में मैं दिखाती हूँ, आप देखिएगा कि कितनी सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आटे चावल, दाल और चावल की इडली नहीं है और उपवास की इडली है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और एक वैरायटी हो जाती है उपवास में खाने के लिए। और देखिए जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया, उस मेजरमेंट से लगभग 1 कुकर यानी कि 4 प्लेट इडली, लगभग 12 से 16 पीस इडली बनके तैयार आराम से हो जाती है। और अब यहाँ पे जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स थे मेरे, वो एकदम बॉयल होके रेडी हो गए हैं। और अब मैं ये सारे वेजिटेबल्स डाल दूंगी सांभर के लिए। जो दाल हमने तुअर की पकाई थी, उसी में सारी सब्जियां हम उसमें स्ट्रेन करके पानी से डाल देंगे। और अभी इस टाइम पे हम डालेंगे इमली का पल्प जो हमने रेडी किया था वो। और इतनी सांभर में हमें लगभग 1 कटोरी इमली का पल्प चाहिए, क्योंकि हमने टमाटो वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो अगर पल्प जाड़ा है तो 1/2 कटोरी, और अगर थोड़ा सा पतला बना है तो 1 कटोरी, वो भी छोटी कटोरी से। और यहाँ पे हम साइड में सांभर के लिए तड़का ही तैयार कर रहे हैं। तड़के में हमने डाला है तेल, ज़रा सा जीरा राई मिक्स करके लगभग 1/2 चम्मच, और डाल दिए हमने कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च। और अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। और तड़का डालने से पहले हम इसमें डालेंगे ये जो मसाला हमने उड़ीपी सांभर मसाला जो हमने रेडी किया था वो हम डालेंगे इसमें। देखिए जो ग्राइंड करके रेडी किया था, वो पूरा का पूरा जितना मैंने रेडी किया था वो सारा मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया, और इसे मिक्स कर दूंगी। और अब मिक्स करने के बाद में जो ये तड़का रेडी है वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी उड़ीपी सांभर एकदम रेडी। अगर आप थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें ज़रा सी शुगर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। साइड में मैं छोंक रही हूँ, जो मैंने उपवास के लिए इडली बनाई थी वो मैं यहाँ पर फ्राई करने जा रही हूँ। और देखिए यहाँ पर इडली कितनी व्रत वाली इडली है, वो कितनी सॉफ्ट बनी है, फ्लफ़ी बनी है एकदम। और अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। तो वैसे तो हम व्रत में लाल मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, बट ये जो इडली है वो मेरी मदर इन लॉ के लिए बनी है, और वो ऐसा जैसा उनका कुछ भी नहीं है, वो खा लेती हैं लाल मिर्च वगैरह, तो मैंने उनकी इडली में डाल दिए। मैं पर्सनली लाल मिर्च जैसे मसाले में व्रत में यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए व्रत की इडली भी एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है। और जब भी आप ये इडली खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये साबूदाना और सामक की बनी हुई इडली है, इतनी टेस्टी ये लगती हैं। और अब मैं जो रेगुलर हमारी इडली थी वो मैंने आधी बना ली है, और अब आधी मैं बना लेती हूँ।
तो चलिए अब हम सब कर लेते हैं डिनर और आप मुझे ये रेसिपीज उड़ीपी सांभर और व्रत की इडली की रेसिपी घर पे ट्राई करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब फिर मिलूंगी और बहुत सारे फेस्टिवल डेकोर वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।